देख के डर लगता है बट अच्छा भी लगता है कि बच्चों में ना ये चीजें हैं। हाँ मजा आता है देख के। अच्छा हैव यू एवर ट्राइड स्केटबोर्ड, रियल टाइम स्केटबोर्ड आइस पे? नहीं, कभी नहीं। स्नोफॉल में नहीं, कभी नहीं। मैंने एक बार गया था मालम जब्बा पे एंड एंड इट वाज लाइक सामने पहाड़ी थी और मुझे ये नहीं पता था रुकना कैसे है। लिटरली बाय गॉड यही हुआ था। पहले तो चल नहीं पा रहे थे लेकिन फिर बाद में ट्रेनिंग हुई प्रॉपर। हाँ। तो जब चलना सीख गए उसने रुकना नहीं बताया था और सामने पहाड़ रियल टाइम। मैंने जंप किया बाकायदा, मैं गिरा हूं लिटरली जंप करके साइड पे और पे क्रॉस होते हुए जो है वो खुद ब खुद रुका। उसके बाद से कभी मैंने नहीं किया ना। नहीं, रुकना, रुकना कैसे था यार? वो रुकने के लिए ना आपको स्प्लिट करना पड़ता है। बट इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, मुझे पता ही नहीं था क्या है। बाद में उन्होंने सबको ट्रेनिंग देके कहा जी ऐसे रुकेगा आ जाओ दोबारा। मैंने पायण मेरे प्यो दी तौबा, मैंने मौत को इतने करीब से देख लिया मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। तो ये हुआ था। खैर पहाड़ इतना गहरा नहीं था, मैं एक दफा नॉर्दर्न साइड गई थी और जिस घोड़े पे मैं बैठी ना वो लिटरली मेरे बैठते ही वो उसने चलना शुरू किया, वो यहाँ एच पे आके रुका। नहीं भाई जी, और वो मैंने यूं खींचा तो वो रुका है। नहीं वो इतना समझदार तो होगा। हाँ, बट वो उसका मुझे बिठाने का कोई इरादा नहीं था। बाप रे बाप। तो ऐसे अक्सर हो जाते हैं किसे कहानियां जब आप पहाड़ों में जाते हैं घूमने। हाँ। तो कहते ना तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, उनकी कसम मत माना करे। मैं तो कहती हूँ वहाँ ज्यादा मेहनत होती है, आप हाइकिंग करते रहो करते रहो लेकिन ऑक्सीजन बड़ा जबरदस्त। कैंपिंग करो, लो लेवल का हेल्दी ऑक्सीजन मिलता है, बेहतरीन। खैर चले अच्छी बात है, जिन्हें पहाड़ों में जाना है उन्हें पहाड़ों की कसम, जिन्हें अगली वीडियो पे जाना है वो अगली वीडियो लगा ले। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।